डैम इट वाज रियली वेरी जॉर्डी मार 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 आदमियों का एक जगह से मन भरता नहीं है, दूसरे जगह चले जाते हैं। ये आदमियों का कुछ नहीं हो सकता। ये देख ओहो ये क्या हुआ, गाड़ी स्लिप हो रही है। और अब हम जाएंगे वहाँ टॉप में जाएंगे। तो गाइस अब हम लोग निकल चुके हैं उस पहाड़ी की तरफ। और जम्मू कश्मीर शिमला नैनीताल उससे कम है, फेल कर देगा ये सारी जगह। बस लोग यहाँ इसलिए नहीं आते क्योंकि यहाँ गर्मी है। हाँ उत्तराखंड से कम थोड़ी ना है, बताओ। तो गाइस यहाँ पे देखो रोपा रोप रहे हैं, मतलब धान उगा रहे हैं अभी। ये देखो कैसे वाओ। गाइस यहाँ का रास्ता थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, यहाँ रोड नहीं बना ना, देखो पूरा रोड कैसा है। और एक तो ये जो रास्ता है ये नंगे पैर चलने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे ख्याल से जो यहाँ के लोग हैं बस वही चल पाते हैं। कटहल कितना लगा है, और ये बैम्बू है, पूरा बैम्बू है। अच्छा यहाँ से अंदर जाना है, ओ तेरी फिर चलना पड़ेगा मुझे। गाइस हम लोग अपनी मंजिल तक पहुँच गए हैं, और मेरा आईफोन बंद हो गया है तो मैं अपने दूसरे फोन से शूट कर रही हूँ। अब पता नहीं क्वालिटी कैसी होगी। यहाँ पे ये भैया हमारी गाड़ी का देख रेख करेंगे, गाड़ी को हमने यहाँ खड़ी की है। यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, जल्दी करो एंट्री करनी है। तो गाइस हम लोग गाड़ी में ही जाएंगे, हमें लगा ये पार्किंग एरिया है पर ये पार्किंग एरिया नहीं है। हम लोग गाड़ी में ही जाएंगे वहाँ तक पूरा ऊपर तक। चलो बस एंट्री करनी थी हमें, और पर पर्सन 10-10 रुपए की टिकट थी वो हमने दे दिया है। पत्थरों को पेंट किया हुआ है इतनी सुंदर तरीके से, लिजर्ड है, ड्रैगन है, सांप है, बहुत अच्छी तरह से, वेल है, फ्लावर्स है, मतलब बहुत सुंदर तरीके से। और एंट्री फीस सिर्फ 10 रुपीज है जो कि बहुत ही कम है अगर आप देखोगे। और यही चीज अगर हम कहीं और जाए, उत्तराखंड शिमला नैनीताल कहीं पर भी जाएं, तो वहाँ पे इसका डबल पैसा लिया जाएगा। बट यहाँ के लोग बहुत ही हम्बल होते हैं, बहुत ही काइंड होते हैं, उन्होंने सिर्फ 10 रुपीज लिया, सिर्फ 10 रुपीज। और आज के ज़माने में 10 रुपये में क्या होता है। तो आप ये बोल सकते हो कि एक व्यू पॉइंट है एंड इट इज़ रियली अमेजिंग। दीदी लोग प्रशांत छोटू वाह अच्छा। तो गाइस देखो हमने कहाँ लाया है, वो जो था ना पानी यहाँ लाया है हमने। और का साला ये वीडियो बना। तो वो जो है ना वहाँ पे हम लोग वहाँ नहाए थे पानी में। गाइस रियली बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही अच्छी। अगर आपको कभी टाइम मिले तो प्लीज आप छत्तीसगढ़ आके जरूर घूमना। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है वरना मैं आपको दिखाती, क्योंकि मैं कल परसों यहाँ से निकल जाऊंगी बैक टू दिल्ली, क्योंकि छोटू को ज्यादा छुट्टियाँ मिली नहीं है, वरना मैं आपको एक एक चीज अच्छी तरह से दिखाती। गाइस अब ये लोग बोल रहे हैं नीचे जाने के लिए, ये जो रास्ता है ना नीचे जाने के लिए, पर इनको मेरे पे दया आ रही है क्योंकि मैं लंगड़ी हो चुकी हूँ,
कल मैं गिर गई थी, जैसे मैंने बताया था गड्ढे में गिर गई थी और पैर ट्विस्ट हो गया था, बट स्टिल मैं जरूर जाऊंगी और मैं जरूर देखूंगी और मैं आप लोगों को भी सारी चीज दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा व्यू है। तो गाइस चलो नीचे चलते हैं, धीरे 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 धीरे। सामने देखो ना उधर का बना रखा है क्या? आ जाओ, ये तो यूएफओ बना रखा है देखो, छत्तीसगढ़ की निशानी आदिवासी। वो है सांप, वाव दीदी एकदम सुंदरी लग रही है सांप के साथ। एक्सप्लोर कर रहे हैं ये वाला माउंटेन रेंज। चलो चलो, ओ पापा की परी, क्या उल्लू को बनना है। तो गाइज हम चल पड़े हैं नीचे की तरफ और मैं लंगड़ी धीरे धीरे चल रही हूँ। माइलू नहीं है, बस मैं माइलू को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ क्योंकि कल माइलू ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। दीदी जी जी आगे के जा रहे हैं, बच्चे पीछे फोटो सेशन कर रहे हैं। वाह वहाँ देखो पत्थर ही पत्थर है। तो गाइज मैं लंगड़ी हूँ ना, उस वजह से मैं धीरे धीरे चल पा रही हूँ। तो गाइस कल का जो व्यू था पहाड़ वो जंगल का टूर जो हमने किया था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बट अगर जंगल जानवर वगैरह मिलता ना तो हमारी टाइम टाइम फेस ज़रूर हो जाती है। सर देखो इसमें से हम पार होंगे। वाव, अब हम थोड़ी देर बैठ के रेस्ट करेंगे, काफ़ी लंबा चल लिया हम लोगों ने, एक दो किलोमीटर, बस थोड़ा सा बैठ के कोल्ड ड्रिंक पीते हैं फिर निकलते हैं। थोड़े ही थोड़े देना सबको, सबको हो जाएगा, हो जाएगी यार। नहीं चलो कोल्ड ड्रिंक पी लो, हम तो नहाने आए थे। ये मेरे लिए, लंगड़ी नहीं हूँ, प्रियंका भी लंगड़ी हो गई है, उसके पैर में चोट लग गई है बहुत तेज। कल जब हम पहाड़ से नीचे उतर रहे थे तो पत्थर से उसे चोट लगी। यहाँ पे लगी है, उनके तो उसके ऊपर लगी है। किसमें? अरे भाई पहले एक बार पिए नहीं लोग, पहले तो जॉर्डन के यहाँ पे लग गया जब ये डैम में नहा रहा था, और प्रियंका को यहाँ लगा है। देखो यहाँ पे पीते पीते चलते हैं कोल्ड ड्रिंक। और अभी जस्ट मम्मी का कॉल आया था, मम्मी बोल रही है कि गाँव में बहुत ज्यादा बारिश हुई है और जहाँ पे हम है 10 किलोमीटर आगे यहाँ पे देख लो आप वेदर, धूप हो रही है, बारिश का नामो निशान नहीं है। तो यहाँ का वेदर ऐसे ही है जैसे कि माउंटेन्स का होता है ना, क्योंकि ये भी माउंटेन का एरिया है बट लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है। अरे यहाँ से चलो, ये सामने है तो उधर कहाँ जाओगे? चलो आराम से दीदी, मम्मी आपको उठा भी नहीं पाएंगे हम लोग, जबरदस्त बारिश हुई यार। अच्छा वो हम घर में नहीं है यार, बोर हो जाते हैं ना, लाइट होगी, पानी भर गया है आंगन में, इतनी बारिश हुई है। हाँ यार, कितना मस्त जगह है यार। तो गाइस देखो हम पहुंच गए हैं, यहाँ का व्यू ही अलग है, मस्त एकदम। हम सबसे पहले वहां थे उस मंदिर के पास टॉप पे, और अब हम यहाँ आए हैं दूसरी जगह, वो रहा वो नदी जहाँ पे हमने वो डैम है जहाँ पे हम नहाए थे। तो गाइस देखो नहीं,
ये सब लोग अपना फोटो सेशन कर रहे हैं। अब मियाँ बीबी को देखो, ओहो दीदी और जीजा लविंग कपल और उनकी बेटी उनकी फोटोज खींच रही है। और जॉर्डन को मैं बोल रही हूँ आजा फोटो खिंचवा ले तो शर्मा रहा है। फोटोज खींची और इतनी अच्छी अच्छी आई है, मजा सा आ गया। तो यहाँ पे चिराग भी आ गई है, चिराग बबली और हमारी पगली भी आ गई है। वेयर इज माई पगली, वो रही खुशी आ गई है। अब वो जरूर एक रील बनाएगी यहाँ पे, दो एक नहीं दो चार तो बनाई लेगी रील। क्या करेगी अब? अब मैं रील्स बनाऊंगी ऐसे। जॉर्डी पीछे हो बेटा, मोमो भी आ गया है। मोमो, हेलो मोमो, मोमो मोमो आ गया। वाओ मोमो, मजा आ रहा है। इस दीदी लोग ना फिर फूल तोड़ रहे हैं सब्जी खाने के लिए। रात को वो फूल की सब्जी बनी थी एंड डैम इट वाज रियली वेरी। जॉर्डी जॉर्डी ऊपर आ, मार 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 मार, होश ही डोंट गो इट्स डेंजरस बेटा। नो बेबी सिट हियर एंड लुक एट द व्यू। गाइस दीदी लोग फूल तोड़ रहे हैं जैसे मैंने बताया, तो उनके पास चलते हैं। दोनों मियां बीबी लगे हुए हैं फूल तोड़ने के लिए। और दीदी मुझे प्लीज आज देना खाने के लिए, बना के रखा हुआ था और भी रखा हुआ है। सब्जी बना हुआ रखा था, ऐसे ही रखा था, बना हुआ थोड़ा रखा था और नहीं खा रही है, कच्चा ही बना हुआ सारा रखा। उधर पीछे भी है दीदी, उधर ये रहा, इधर भी है। अरे उधर अभी चलेंगे ऊपर तो बहुत। तो गाइस देखो कितना सुंदर सुंदर है, इसकी सब्जी बनती है। देखो जीजा अच्छी तरह से लो ना। अरे कितना लेंगे? नहीं लो ना जब है। अच्छा सब लो भाई, दवाई लगता है ना, दवाई का काम करता है। और क्या ये सब, यही सब खाने से तो आदमी बीमार जल्दी नहीं पड़ता ना। तो फिर अच्छी चीज है ना, ज्यादा ज्यादा लो फिर। इसका ये वाला भी तोड़ लेना सब। तो गाइस दीदी लोगों ने देखो कितना सारा फूल ले लिया है। इस फूल का नाम क्या है, इस फूल का नाम क्या है? इनका दारू और चखना गिर गया। छुपाते हुए जा रहे थे। तो देखो ये लोग दारू और चखना लेके जा रहे हैं। कैसे तोड़ रहे हो तुम? जी आप ढंग से नहीं तोड़ रहे हो। अरे कहाँ है यार इतना छोटा छोटा चीज, इतना छोटा छोटा क्या है, सब तोड़ते हैं। अभी सब जब पकेगा तो छोड़ थोड़ा सा हो जाएगा, वो मालूम है। एक पेड़ में थोड़ी हो रहा जीजा, वो देखो ना कितना सारा गुच्छा है। अरे यार इसी फूल से तो हमको ज्यादा मिलेगा कि दस, आप दस पेड़ में जाओगे और वहाँ से लोगे। अब जीजा वहाँ से तोड़ेंगे, जीजा ने वहाँ से तो पूरा तोड़ा नहीं, अब दूसरे पेड़ में जा रहे हैं। यही होता है आदमियों का, एक जगह से मन भरता नहीं है, दूसरे जगह चले जाते हैं। ये आदमियों का कुछ नहीं हो सकता। ए पागल पागल नहीं पारो। ओहो तो गाइस दीदी का नाम ना पारो है, जीजू उनको बहुत प्यार से पारो बोलते हैं। कहां से आपको पारो दिखती है? वाओ ऐसा तोड़ना चाहिए। यहाँ पर तेंदुआ है क्या? अरे कैसे पहले था ये तेंदुआ पेड़ नहीं है का? हे भगवान मुझे शेर लगा था। तेंदुआ ये क्या है? इसको तो अरे गाइस हमें एक फल मिला है। वो ने का चीज है ये पता नहीं, बेल है ये, हटाओ बेल है, खाते हैं और क्या खाते नहीं चाहते होते, खाते हैं इसको। अरे बेकार है ये, थोड़ा भी पागल हो चुके हैं। How are you? जंगल नहीं है तो मजा। Are you enjoying? ये देखो, yeah. Yeah. ये देखो, ये लो इतना सारा फूल। इसको बोलते क्या हैं दीदी? इसको क्या बोलते हैं? नाम नहीं मालूम। नाम नहीं पता पर खाना आता है। हाँ। देखो ये रहा, यहाँ तोड़ू मैं? How are you? Hold this. Hold this. It's a fruit. जाओ। तो गाइस थोड़ा सा मैं भी हाथ लगा लेती हूँ ताकि मेरा भी नाम आए।
कि मैं भी तोड़ी कि मैंने भी तोड़ा है कुछ। कड़वा होता है। कड़वा कहाँ होता है जो? अरे वो बेल, ये रहा, दूध निकल रहा है इसमें। हाँ, तो दूध निकले। ऐसे थोड़ी ना तोड़ेंगे, तेरी तरह तोड़ रहे हैं। बस हो गया दीदी, मैं एक हाथ से तोड़ रही हूँ, एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ। है अभी रुको, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अरे थोड़ा बहुत रहा। क्या चाहिए अब आपको? मैं बोल रही हूँ दातुन तोड़ लो। ब्रश नहीं है क्या आपके पास? अरे है तो ले लो, तो ले लो ना फिर। आगे आगे तो नहीं है? नहीं आगे भी है उधर, लेकिन उधर नहीं जाना है, उधर उधर जीजा इसमें है बहुत सारा है? इस डंडा में, ऊपर वाले में, ये वाले डंडे में बहुत सारा है। उधर वाला डंडा खींचना पड़ेगा। हाँ इसी। हाँ दीदी जाओ जाओ, वो लूट लो अभी तो बढ़िया वाला ये लो। ये लो आओ, ये पत्थर में चढ़ो। आओ पत्थर में चढ़ के ये लो। अरे तो गाइस देखो मैंने भी फूल तोड़ा। आज हमने बहुत सारा फूल तोड़ा है, कल भी तोड़ा था पर आज भी काफी तोड़ा है। दीदी रास्ते में भी तो है जाते वक्त। अरे बहुत बच्चे पहाड़ों का मजा ले रहे हैं और हम बड़े लोग फूल तोड़े रहे हैं सब्जी बनाने के लिए। फूल तोड़ने का मजा। हाँ चलो इसको उसको पत्थर में तोड़ो। तो बेल है, बेल पत्थर में तोड़ो। अरे बेल है, बेल तो पका हुआ है। कहाँ है जो छोटी वाली बेल? ये बेल का पेड़ है, ये वाला जो सामने दिख रहा है ना, ये बेल का पेड़ है। हम लोग निकलते हैं धीरे धीरे, बच्चे लोग रील्स बना रहे हैं और हम धीरे धीरे फ्लास्क तोड़ते तोड़ते बाहर की तरफ चलते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं लंगड़ी हूँ, मुझे टाइम लगेगा। तो बस हम निकलते हैं बाहर की तरफ और रास्ता थोड़ा सा पथरीला है तो टाइम लगेगा। और यहाँ पे रोड के किनारे लाइट्स बिल्कुल नहीं होता, तो जिस वजह से हमें थोड़ा सा ना जल्दी निकलना पड़ेगा अंधकार होने से पहले। और गांव के उधर बहुत ज्यादा बारिश हुई है, इसलिए थोड़ा जल्दी निकलना ही बेटर है। तो हमारे बच्चे भी आ गए हैं, चले चलो भैया। क्या कर रहे हैं? फिर ये लोग फूल तोड़ रहे हैं। जब तक हम लोग बच्चे लोग अभी खिंचाएंगे खिंचाएंगे तब तक हम लोग पहुंच गए। जल्दी करो जी गाइस, अंधेरा होता जा रहा है और अब बेस्ट टाइम है कि हम निकल ही जाएं, क्योंकि जंगल का एरिया है, यू नेवर नो जंगली जानवर सभी आ जाए, तो हमारा निकलना सेफ है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया यहाँ के रोड्स में ना लाइट्स नहीं है, तो निकलना ज़्यादा बेटर है। कितना बजे होगा दीदी? पाँच साढ़े पाँच हो गए और यहाँ पे अंधेरा 6:30-7 बजे तक हो जाता है, तो पता चलता है। सही बात है, और यहाँ पे पत्थर पत्थर है ना, छुपने छुपने की जगह है। वो वाला पहाड़ थोड़ा डेंजरस है ना, अच्छा वो वाला जिसे हम लोग ऐसे तो हम लोग पहुंच ही गए हैं गाइस। छोटू चिल्ला रहा है बहुत ज्यादा। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए और वहां पे कुछ झूले भी हैं, जॉर्डन परी होश हुई ये सब झूला झूल रहे हैं। ओहो ये क्या हुआ, गाड़ी स्लिप हो रही है गाइस। ये जो मिट्टी है ना ये पत्थर है। ये रुको, तो गाइस गाड़ी नहीं चढ़ रही है। अरे मौसी व्लॉग छोड़ो, धक्का दो। मैं नहीं दे सकती ना, लंगड़ी हूँ। सब लोग धक्का दो,
फाइनली हो जाएगी हो गई ओ गॉड। चलो अच्छा हुआ हमने बोला हम नहीं बैठेंगे अभी, तो हमने छोटू को पहले ही बोल दिया कि हम नहीं बैठेंगे, हम ऊपर गाड़ी करके ही बैठेंगे। हमारा डिसीजन एकदम सक्सेसफुल हुआ, तो चलो चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग चल रहे हैं, बाय 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 बाय। दिस देखा तो गाइस जगह का नाम था दिस देखा, अजीब अजीब सा नाम है। तो बस हम चलते हैं, बाय बाय। वहाँ पहाड़ में तो गाइस फाइनली हम लोग घर आ गए और मौसम देखो 6:30 ही मौसम ऐसे होता है और लाइट जा चुकी है। यहाँ तो वैसे ही थोड़ा सा बारिश हुई और बादल गरजे तो लाइट चली जाती है, तो बारिश दोबारा शुरू हो गई है। चलो अंदर सामान ले लो।